Hello guys, this is Robin, you're watching Robin Roses. Hope you guys are doing great and welcome back to my YouTube channel. तो अभी आज है 5th of November और टाइम हो रहा है मॉर्निंग के 1:49 मॉर्निंग बोलूँ या नाइट का बोलूँ 1:49 हो रहा है अभी नहाया हूँ जस्ट अभी और सोचा हूँ फिर एक राइड पे निकलने का अभी हम जाने वाले सापुतारा सापुतारा एक हिल स्टेशन है गुजरात में गुजरात में द ओनली हिल स्टेशन इन गुजरात एक ही हिल स्टेशन है पूरे गुजरात में सापुतारा तो वहाँ जाने वाले देखे जन मज़ा आने वाला आज भी राइड में अभी रात को निकल रहा हूँ ताकि मॉर्निंग होते होते पहुँच जाऊँगा बाकी वहाँ पर मिलती गए हैं पार्किंग में बैठते हैं बाइक पे तो फ्यूल अप कर दिया हमने अभी सीधा निकलते सापुतारा की ओर रास्ते में कहीं रुका तो ठीक है नहीं तो डायरेक्ट सापुतारा में ही रुकेंगे बाकी मिलते हैं आपको रास्ते की जर्नी भी दिखाता हूँ नहाने के बाद क्या होता है फ्रेश हो जाता हूँ पूरा अभी फ्रेश लग रहा है एकदम तो 4-5 घंटे तक तो पूरा फ्रेश लगेगा एकदम बाद में जब थोड़ा वैसा डर लगने लगेगा तब तक सापुतारा पहुँच जाएंगे तो हिल स्टेशन आने के बाद तो वहाँ की बात ही अलग है तो मिलते हैं रास्ते में देखते रहो कंटिन्यू मेन हाईवे पहुंच गए ये रोड सीधा जाता है मुंबई ये वही रोड है जो हमने दमन के लिए चूज़ किया था सीधा वही रोड जाना है आगे जाके एक रोड आएगा वो क्रॉस हमको सापुतारा लेके जाएगा तो वही बस क्रॉस लेना है बाकी लोकेशन से मैंने डाल दिया है काफ़ी हद तक कवर कर दिया है सापुतारा 105 आगे रोड्स कैसे रहेंगे कुछ पता नहीं यहाँ से सापुतारा के लिए लेफ्ट टर्न लेना है इसके आगे हम लोग गए थे तो ये जो पीछे हाईवे दिख रहा है ना ये हाईवे सीधा दमन को जाता है यहाँ से हम अंदर घुस गए यहाँ से सापुतारा के आगे मेरे को पूरा ब्लैक डार्क ब्लैक दिख रहा है रोड्स कैसे रहेंगे कुछ पता नहीं है एक भैया से पूछा अच्छा रहेगा बोले कुछ प्रॉब्लम नहीं है लेकिन नाइट का टाइम है तो बोले थोड़ा आराम से जाओ रिस्की है थोड़ा सा बस बाकी सब बढ़िया है चलते देखते होगा जो देखा लगेगा उसका कुछ टेंशन नहीं है लेकिन जाके आएंगे सापुतारा भाई साहब अभी सुबह को हो रहे 4:15 ऑलमोस्ट कवर कर दिया है अभी लिया है कॉफ़ी ब्रेक काफ़ी ठंडी हो रही है तो अपर भी डाल दिया था कॉफ़ी ब्रेक लिया है यहाँ से सापुतारा है अराउंड 50 किलोमीटर में वन आवर का रास्ता है यहाँ से लेकिन पूरा जंगल के बीच में बाकी सुबह मिलते हैं बताता हूँ कैसा रहा यहाँ का ट्रिप चलो भाई साहब वापस चलने की तैयारी दन्नों पे बैठ जाते हैं 50 किलोमीटर्स मोर सर्दी लग गया थोड़ा
of Saputara. Welcome to Saputara. Oh, अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग के 5:22, तो अभी चलते सनराइज़ पॉइंट है जहाँ पे पहुँच गए हैं हम लोग। अब मतलब मैं पहुँच गया हूँ, अभी पूछता हूँ किसी को कहाँ पे जाना है। पहले सापुतारा पहुँच गया हूँ, ठंडी है काफ़ी, फिर भी मैंने अपर डाला है, लेकिन काफ़ी सुबह सुबह ठंडी हवा चल रही है। तो अभी हमको जाना है सनराइज़ पॉइंट, अभी मैं जाके आया हूँ वैसे, लेकिन भैया बोले कि अभी एक घंटा बाद सनराइज़ होगा, मतलब अभी 5:30 हुआ है, तो बोले 6:30 तक होगा। तो मैं बोले एक घंटा उधर अकेला बैठ के क्या करूँगा, तो वापस सर्कल या मतलब मेन जो चौराहा रहता है वहाँ पे आ गया, बैठा हूँ थोड़ा सा। मैंने कहा थोड़ी देर बैठता हूँ, हाथ हो गए पूरे जाम थोड़े, बाइक चलाया चला के 180 किलोमीटर का राइड था टोटल 180 किलोमीटर। मज़ा आ गया, लाइफ का बेस्ट राइड था, बेस्ट एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का। ऐसा एक्सपीरियंस मैं बताऊँ ना, आज तक कभी नहीं रहा। बेस्ट मीन्स बेस्ट एक्सपीरियंस था, और साथ में कोई और होता ना मज़ा आ जाता था भाई, सच में यार। जो फील था ना आज, अमेजिंग फील था यार, नॉट एक्सपीरियंस। बाकी सनराइज़ होगा, सनराइज़ दिखाता हूँ, और वहीं पे बाकी सब की बात करेंगे अपन, ठीक है। और आगे कहाँ जाएंगे वो भी वहीं पे डिसाइड करेंगे। का व्यू है वो सामने लेक है वहाँ पे, बाकी नीचे सिटी है ये, और बाकी सब हिल स्टेशन है पूरा सापुतारा के आजू बाजू में। ये जो रोड दिख रहा है इस पे कल रात को पूरे जंगल में मैं 108 किलोमीटर चला हूँ, ये पूरे जंगल के अंदर है 108 किलोमीटर। इसका सनराइज़ का टाइम लैप्स तो मैंने ले लिया, काफ़ी अच्छा आया है, डालूंगा वीडियो में स्टार्टिंग में, तो आप बताना कैसा लगा आपको वो भी। अभी चलते हैं बाइक पे, वहाँ से जाएंगे ब्रेकफास्ट करने, देन लेक पे जाते हैं, थोड़ा सा लेक देखते हैं और वापस निकल जाएंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा जाना है, अराउंड 3-4 hours लगेंगे वापस जाते वक्त, क्योंकि रात को तो क्या पूरा रोड खाली था, तो मैं भगाते हुए आ गया। अभी जाते वक्त थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अभी हम आ गए हैं लेक पे, लेक दिखाता हूँ, लेक भी बहुत अच्छा है एकदम, मीन्स सापुतारा बेस्ट है बेस्ट। वैसे सापुतारा में घूमने के लिए बहुत सारी जगह है, बहुत सारी मीन्स सनसेट पॉइंट है, सनराइज पॉइंट है, लेक है, एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी कर सकते हो, बोटिंग कर सकते हो, पैराग्लाइडिंग कर सकते हो, और जहाँ पे अभी हम सनराइज़ के लिए गया था ना वहाँ पे साइकिलिंग वगैरह बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो यहाँ पे। एक तरफ से बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है ये गुजरात में। तो ब्रेकफास्ट का हमने पूछा, सब लोग 8 बजे का बोल रहे, जिस भी होटल में गया सब यही बोल रहे कि 8 बजे के बाद मिलेगा, तो ब्रेकफास्ट हम रास्ते में जाते हुए कर लेंगे। अभी निकलते हैं यहाँ से, सूरत है 179 किलोमीटर, तो अभी निकलते हैं सूरत के लिए। यहाँ पे एक घंटा रुकूँगा, उससे 7 o'clock हो रहा है, एक घंटा रुकूँगा, उससे अच्छा एक घंटा कवर कर दूँगा, रास्ते में कहीं ब्रेकफास्ट कर लेंगे, चलेगा, कुछ इशू नहीं है। तो निकलते हैं अभी। जब हम ऊपर आ रहे तब की बात है, ये ट्रक सीधा मेरे सामने खाई में चला गया था, उस वक्त वीडियो नहीं बना पाया था। गाइस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, ब्रेकफास्ट तो नहीं कर पाया,
क्योंकि वहाँ से गाड़ी निकाला तो मैंने कहा डायरेक्ट खींच ही लेता हूँ, तो ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर्स कवर कर लिया और सूरत जाके ही ब्रेकफास्ट कर लूँगा, तो 60 किलोमीटर्स और जाना है बस, 180 किलोमीटर टोटल था। जर्नी बहुत ही अच्छा रहा, बहुत मीन्स बहुत ही अच्छा, लाइफ का बेस्ट जर्नी था मेरा ये, जो मैंने नाइट में राइड किया, बेस्ट राइड था मेरा, लाइफ का बेस्ट राइड था अभी तक का ये। नाइट में 2 o'clock से लेकर 5:30 तक पूरे जंगल के अंदर राइड किया मैंने, अभी भी वही जंगल क्रॉस कर रहा हूँ, पूरे जंगल के अंदर क्रॉस किया। एक तरफ से बहुत डर भी लग रहा था क्योंकि सड़क पे कोई एक गाड़ी नहीं दिख रहा था, किलोमीटर्स तक मेरे को गाड़ी नहीं दिख रहा था, डर भी लग रहा था। लेकिन जो बाद में मैंने मज़ा लेना स्टार्ट किया जंगल के अंदर, जो मज़ा आया मेरे को, लाइफ में ऐसा मज़ा कभी नहीं आया, लाइफ का बेस्ट जर्नी था मेरा ये, बेस्ट जर्नी मीन्स बेस्ट, बहुत मज़ा आया। सबसे डरावना भी था लेकिन जो मज़ा आया, जो रोड्स थे जो जंगल के अंदर, अभी वापस आया तो भी जो एकदम खुले खुले रोड्स है, दोनों साइड ट्रीज है, क्लास प्लेस है यार। सच में मैं रिकमेंड करूँगा आपको सबको कि अगर आप गुजरात में आ रहे हो और हिल स्टेशन जाना चाहते हो तो मस्ट विजिट है, मस्ट विजिट यार, मस्ट विजिट, बेस्ट प्लेस है, बेस्ट। जो बीच का रूट है वो वगैरह बेस्ट है यार, दिखाता हूँ अभी जहाँ खड़ा हूँ वो भी देखो, दोनों साइड पूरे ट्रीज लगे और बेस्ट क्लास प्लेस है यार। गाइज अभी भी आओगे ना अपने फ्रेंड्स के साथ आओ, बहुत मस्ती वाली प्लेस है, बहुत सारी चीज़ें बीच में, रिवर्स मिलेंगे, छोटे छोटे वाटरफॉल्स मिलेंगे, छोटे छोटे डैम्स मिलेंगे, ब्रिजेस मिलेंगे, फोटोग्राफी के लिए बहुत सारी जगह है, बहुत ही अच्छा प्लेस था। तो बस यहीं पे लॉक को करते हैं क्लोज। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ लॉट ऑफ सपोर्ट टू माई प्रीवियस वीडियो। प्रीवियस वीडियो में थोड़ा सा मैं अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाया था, कुछ प्रॉब्लम्स हुआ, कोई बात नहीं, वो अभी सुधारेंगे उनको भी, और जो भी मिस्टेक्स होता है गाइज प्लीज़ बताया करो, प्लीज़ कमेंट में बताया करो, उसी से मैं लर्न करूँगा कि मेरे को आगे क्या चेंजेस करने, क्या नहीं करने। तो इसी के साथ चलते हैं बस, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, नीड योर हेल्प एंड सपोर्ट। आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है, कुछ कमेंट्स करोगे, लाइक्स करोगे तो मोटिवेशन मिलता है, उसी से मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। तो बस इतना ही बोलना था यार, थैंक यू सो मच, चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।